हाय एवरीवन, मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई बाई SJS। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ कढ़ाई पिज्जा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कटोरी है गेहूं का आटा, ये रेगुलर यूज वाला है जिससे हम रोज रोटी बनाते हैं, वही आटा है। और इसमें डालेंगे ये 4 चम्मच दही है, नॉर्मल घर की दही है, आप मार्केट की भी यूज कर सकते हैं। एक चम्मच है बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून मीठा सोडा, बेकिंग सोडा मतलब, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी है, नॉर्मल वाली चीनी है, पिसी हुई भी यूज कर सकते हैं। तब इसको हम मिला लेंगे इन सारे सामान को। देखिए पानी डालकर एकदम नरम डो तैयार करना है और जब जरूरत पड़ेगा पानी डालेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे तेल डालेंगे, फिर इसे थोड़ा मसलेंगे। देखिए आटा गूंथ चुका है, अब इसमें 1 चम्मच और तेल डालकर थोड़ी देर इसे मसल कर इसे अब 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन टाइम हो तो जरूर 1 घंटा रेस्ट पर रख दीजिए। चलो, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई प्रीहीट के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ये कई बार यूज कर चुके हैं नमक, इसलिए कलर इसका ऐसा है। और ऐसा स्टैंड रखेंगे और इसे 10 से 15 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्रीहीट होने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आटा रेस्ट कर चुका है, थोड़ा इसे मसल लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आटा तैयार है, इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे फिर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे इसकी लोई बना लेंगे, इसकी ऐसी लोई बनाते हुए तो इसमें थोड़ा सूखा आटा छिड़क लेंगे ऊपर से भी, फिर इसको बेल लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली करना है, देखिए इतने मोटे बेलना है। अब इसे रखेंगे साइड में और इस थाली को तेल से ग्रीस कर लेंगे, अच्छी तरह से ग्रीस करना है ताकि मेरे पिज्जा आसानी से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें इस थाली में इसको रख देंगे, थोड़ा सा इसे फैला देंगे। तो अब इस फॉर्क की मदद से इसको स्पिक कर लेंगे ताकि ये जो पिज्जा है बीच से फूले ना, इसलिए कर रहे हैं बाउंड्री छोड़ के, आधा इंच बाउंड्री छोड़ के। अब इस पे लगाएंगे पिज्जा सॉस, इसको चारों तरफ फैला देंगे। अब इस पे जाएगा ये मोजरेला चीज़ है, और ये प्रोसेस चीज़ है
दोनों को फैला देंगे अच्छी तरह से। अब लगाएंगे इसमें सब्जियां। तो ये हरी शिमला मिर्च है, लाल शिमला मिर्च, पीला शिमला मिर्च, प्याज और ये है टमाटर। सब बारी बारी से ऐसे लगा देंगे। अब ऊपर से फिर चीज लगाएंगे। ये सब्जियां लग गई, मोजरेला चीज, प्रोसेस चीज, अब इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न है, फ्रोजल है, इसे बॉयल कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिज्जा तैयार है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो एक कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है, 15 मिनट तक प्री हीट हुई है। अब इसके बाद ये रखेंगे थाली और लिड लगाकर 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पिज्ज़ा पक के तैयार है, क्योंकि इसमें जो चीज़ है पूरा मेल्ट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं। तो पिज्जे को थाली से निकालते हैं, बहुत हीट है, संभल कर निकालना होगा। तो अब फ्रेंड्स थाली से पिज्जे को निकालते हैं। और देखिए बहुत ही यम्मी बनकर पिज्ज़ा तैयार है। थोड़ा सा इस पे डालेंगे ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसे कट करते हैं। एक बार इधर से भी कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम चीजी पिज्ज़ा बनकर तैयार है। आप भी मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना और आप कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।